भाई साहब, बड़े मियाँ छोटे मियाँ का ट्रेलर आ चुका है और ट्रेलर बिल्कुल दमदार है। अपने 24 घंटे ये ट्रेलर कंप्लीट कर चुका है और अभी तक अराउंड 11 मिलियन के आसपास व्यूज गेन कर लिए हैं और 2.5 लाख के आसपास इसने लाइक्स गेन कर लिए हैं। ट्रेलर को जिस काम के लिए भेजा गया था, यानी पब्लिक को अपनी तरफ खींचने के लिए और एक हाइप सेट करने के लिए, वो काम भरपूर करके गया है। जिस जैनर को ये फॉलो करता है, एक्शन के जैनर को, वो शुरू से लेकर लास्ट तक लेंथी ट्रेलर था, लेकिन कब कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, कुछ पता नहीं चला। तो दैट्स वाई कि भाई ट्रेलर एंगेजिंग था और मूवी भी ऐसे ही एंगेजिंग हो, हम उम्मीद करते हैं। लेकिन भाई हर कोई इतना परफेक्ट नहीं होता, एक आध कमियाँ होती हैं, तो बस उसी चीज़ के बारे में अभी बात करेंगे कि भाई ये चीज़ भी, एक आध जो चीज़ें थी इम्प्रूव कर सकती थी या फिर इम्प्रूव हो के मिलेगा तो मज़ा आ जाएगा। क्योंकि भाई ट्रेलर में एक आध पार्ट ऐसा आया जो डिसकनेक्ट करके गया है और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा, क्योंकि भाई अक्षय कुमार का मैं भी डाई हार्ड फैन हूँ और ये सब चीज़ें ऐसे लेवल पे मिलेंगी जो इस टाइम पर उतना ज़्यादा पकड़ में आती हैं और एक ऑकवर्ड सी सिचुएशन जनरेट करके जाती हैं, तो भाई ये फिर मज़ा नहीं आएगा। तो भी उन एक आध चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि भाई इनमें भी इम्प्रूवमेंट हो सकता है और ये इम्प्रूवड होके मिलेंगे तो फिर मज़ा तो आ ही जाएगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अगर आप रेगुलर हो तो भाई एक लाइक एक सपोर्ट बनता है आपका, क्योंकि आपको काम पसंद आ रहा है। दैट्स वाई कि आप रेगुलर हो और पसंद आता भी है, आप न्यू हो तो जरूर अपना सपोर्ट दिखा के जाना। बाकी शुरुआत करते हैं भाई, एक्शन मूवीज़ की बात करें तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ में जो जैनर फॉलो कर रहे हैं कौन सा एक्शन, इसमें बिल्कुल भी कमी नहीं होने वाली है। क्योंकि अगर बात करें विलेन के एंगल से, पृथ्वीराज सुकुमारन कहे तो भाई ये बंदा बिल्कुल सैवेज देखने को मिल रहा है, जो यहाँ पर फुल आईक्यू का इस्तेमाल करेगा ही करेगा, मतलब हाई टेक साइंटिफिक वाला जो होता नहीं है विलेन वैसा, बिल्कुल जो हमने बड़ी बड़ी एक्शन मूवीज में भी देखी, लाइक हॉलीवुड की अगर फास्ट एंड फ्यूरियस 7th पार्ट की बात कर लें, 8th पार्ट की बात कर लें, या फिर मिशन इम्पॉसिबल लाइक एक्सपेंडेबल की बात कर लें, तो भाई जो सैवेज विलेन जिनका हाई दमदार होता है दिमाग, भाई दिमाग से खेलते हैं और सबको हिला के रख देते हैं। लाइक ईजली वो एंट्री मारेंगे और जो उन्हें चाहिए वो उसे चुरा के लाएंगे और उससे बिल्कुल भी सिर्फ उन्हीं को थ्रेटन नहीं करेंगे, पूरे जो कंट्री है या फिर रीजन है उसको थ्रेटन करेंगे। और उसको थ्रेट करते पृथ्वीराज सुकुमारन देखने को मिल रहा है और इतना पावरफुल देखने को मिल रहा है कि भाई साहब उसे, उसके हराने के लिए दो हीरोज़ की ज़रूरत पड़ेगी, अपने अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ हमें देखने को मिल रहे हैं। फिर वो आएंगे और वही सारी चीज़ें की उसे चेज करेंगे, देन उसके बाद लास्ट में पकड़ भी लेंगे। तो सिंपल सा कहने का मतलब ये था कि भाई ट्रेलर में जो उन्होंने दिखाया है, स्टोरी बिल्कुल प्रिडिक्टेबल है कि ये होने वाला है, क्योंकि ये हम पहले ही देख कर आ चुके हैं। तो नया क्या होगा भाई, वो एक आध चीज़ें देखने को मिलनी है कि लास्ट में जब वो क्लैश हो रहा है किसके साथ, आपस में ही क्लैश हो रहा है, क्योंकि बड़े मियाँ छोटे मियाँ भाई बंधुत्व इतना अच्छा है, इनका कनेक्शन एंड रिलेशन बहुत क्लोज है, लेकिन भाई आपस में लड़ाई क्यों? तो ये वाला पार्ट जबरदस्त एक्साइटमेंट दे रहा है कि भाई आखिर हुआ क्या होगा। देन भाई इसको लीड कौन सी चीज कर रही है कि भाई पृथ्वीराज सुकुमारन अपना आईक्यू लेवल दमदार है, साइंस इंजीनियर ये होगा ही और ये ह्यूमन क्लोन बनाता होगा जो हमें देखने को भी मिल रहा है। तो हु नोज कि इनमें से अक्षय कुमार या फिर टाइगर श्रॉफ इनमें से किसी एक को ये मार के, जो वॉर वाला कनेक्शन था कि टाइगर श्रॉफ को मार के वहां पर दूसरा साइबॉग नहीं कहूंगा, उसका क्लोन लेके आ जाता है विलेन। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि हो सकता है कि साइबॉग की एंट्री हो जाए इन दोनों में से किसी एक की, दैट्स वाई कि आपस में वो लड़ाई देखने को मिल रही है, या फिर हो सकता है कोई अनबन हो, या फिर हो सकता है कि यहाँ पर किसी का एंगल जो है विलेन की तरफ रुक कर गया हो या नियत बदल जाए। तो स्टोरी लगभग प्रिडिक्टेबल है, बस इस चीज़ के लिए वेट है कि भाई पृथ्वीराज सुकुमारन किस हद तक सैवेज होने वाला है। स्टोरी दमदार हुई तो वो बिल्कुल खींच के ले जाएगी, बिल्कुल खींचेगी, उन्हें बैठा के रखेगी और ये मूवी की सबसे बड़ी सक्सेस होगी। भाई कमी यहाँ सिर्फ ये देखने को मिली कि जो बॉलीवुड का ह्यूमर एंड कॉमेडी फन वाला होता है ना भाई, ऐसी सीरियस एक्शन मूवी में आप ये जबरदस्ती का टपोरी एंगल डाल दोगे तो वो डिसकनेक्ट करता है। लाइक ट्रेलर में उसने एक आध झलकी जो दिखाई है, टाइगर श्रॉफ से बहुत ज़्यादा डायलॉग बाजी करा रहे हैं, ठीक है वो इम्प्रूवड हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं इतना जम नहीं रहा है भाई। और जो हॉर्स के टाइम पर जो एक वो टाइमिंग दी गई थी, उन्हें स्क्रीन टाइम दिया गया था, वो अपनी डींगे हाँक रहा है लाइक कि एक्सपीरियंस ही कौन है, फुर्तीला कौन है, ज़रूरत नहीं थी इस चीज़ की, लेकिन फिर भी इन्होंने डाल दिया। अगर आपको डालना ही है कॉमेडी फन ये वाला, तो सिचुएशनल डालिए। लाइक अभी मडगांव एक्सप्रेस मूवी आई थी भाई, फुल जबरदस्ती सिचुएशनल कॉमेडी का फन देखने को मिला था। अगर ये भी नहीं देखिए तो हेरा फेरी मूवी अगर आपने देखी है, वो चीज़ कनेक्ट करती है। लाइक अगर ऐसी चीज़ें भी अगर आपको एक्शन मूवीज में डालनी है, तो बॉस मूवी दमदार थी, राउडी राठौर दमदार थी, उसमें जमता है ये बॉलीवुड का ये वाला जो ह्यूमर है। बट ऐसे एक्शन टाइप में जहाँ सिर्फ एक्शन फॉलो करा जाता है, वहाँ इतना ज़्यादा ये सारी चीज़ें नहीं गुजरी जाती है, जो उम्मीद करेंगे कि मूवी में उतना नहीं देखने को मिले, जिसको फोकस कर रही वही मिले तो दमदार होगा।
बाकी टेलर भाई साहब औसम है, दमदार है, मैंने एक नहीं दो नहीं तीन चार बार देखा है और हर बार मजा आया है। आपने देख लिया है तो आप शेयर कर सकते हैं कि आपको कैसा लगा। मेरे तरफ से तो भाई वेट है मूवी के लिए, क्योंकि 10th अप्रैल कोई दूर नहीं है और ईद पर ईद देने अलग अंदाज में बड़े मियाँ छोटे मियाँ तो आ ही रहे हैं। बाकी मेकर्स में फील कहूँगा, मेकर्स फुल 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 एफर्ट मार रहे हैं, तो देखते हैं क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा भाई साहब। फिलहाल तो डेफिनेटली 500 करोड़ की मूवी ठोक जाएगी अगर स्टोरी का पार्ट और ज़्यादा दमदार हो गया, क्योंकि एक्शन के पार्ट में ये बिल्कुल कमी नहीं करने वाले हैं। आपकी क्या उम्मीद है इस मूवी से जरूर बता के जाना, कुछ कमी लगी हो वो भी बता के जाना, नई कमी लगी हो मजे लेके जाना। और यहाँ तक आ गए तो सर लाइक भी कर दीजिए और नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बाकी मन करे तो शेयर भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो पर, जय हिंद।